हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने, आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। तो गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ओपन हो चुकी है, IIT रुड़की की इंटर्नशिप। इस इंटर्नशिप के लिए आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आप इंडिया में चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, इस टाइम पे ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो इस इंटर्नशिप के लिए। अगर आपका कभी भी ड्रीम रहा है IIT के प्रोफेसर से पढ़ने का, तो ये मौका बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप और IIT के प्रोफेसर के साथ प्रोजेक्ट फंडेड ये इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी, जिसमें आप लोगों को पर मंथ इवन पर वीक आप लोगों को स्टाइपेंड दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है, पर मंथ अप टू 10,000 रुपीज तक आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा। प्लस आप लोगों के और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, जो कि करके आज इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा जो इस टाइम पे एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस इंटर्नशिप के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। तो इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए आप लोग को एक तो मार्कशीट चाहिएगी लास्ट सेमेस्टर की, जो भी आप डिग्री कर रहे हो, प्लस आपको एक फोटोग्राफ चाहिए, प्लस आपको एक रिसर्च स्टेटमेंट प्रपोजल चाहिएगा, जो कि अभी मैं बता दूंगा कैसे आपको मिलेगा। एक रिज्यूमे आप लोगों को चाहिएगा, NOC सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, और डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिएगा। बाकी सारी चीजें तो आपकी मैनेज हो जाएंगी। दो चीजें मैनेज करना जरूरी है, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 250 वर्ड का, जिसके लिए आप लोग कोर्स ज्वाइनर वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। यहां पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए एडअप किए हैं, यहां पे आप देख सकते हो SOP एग्जांपल है, किस तरीके से आप लोग को रिसर्च स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल यहां पे ऐड करना है। यहां से आप कॉपी करके अपनी प्रोफाइल में थोड़ा सा एडिट करके ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यूज कर सकते हो। दूसरा, आपको रिज्यूमे बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेक्शन होने वाला है वो इन्हीं दोनों चीजों के बेसिस पे होगा। तो आपका रिज्यूमे बेस्ट होना चाहिए। आप रिज्यूमे बनाने के लिए नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो, जो कि अनअकैडमी ग्रुप का एक प्लेटफॉर्म है। यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर अभी AI पावर्ड रिज्यूमे बिल्डर लॉन्च किया है इन्होंने, जिसमें आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट AI बेस्ड अपना रिज्यूमे बना सकते हो विद इन कुछ मिनट्स में। यानी AI से इंप्रूव्ड आप लोग अपना रिज्यूमे बना पाओगे। जस्ट आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रिज्यूमे बना पाओगे विद इन कुछ मिनट्स में। यहां पे इस वेबसाइट पर आप लोगों को सजेस्ट कर दिए जाएंगे राइट वर्ड, जो कि रिक्रूटर्स को डायरेक्टली हिट करते हैं, ऐसे वर्ड आप लोगों के रिज्यूमे में एडअप कर दिए जाएंगे। जस्ट आप लोगों को एक सिंगल प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आपका कंप्लीट रिज्यूमे बना के दे दिया जाएगा। यानी अब आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है रिज्यूमे बनाने के लिए। आप लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो, जिससे आपको AI बेस्ड आप लोगों का रिज्यूमे बन सकता है। और आप लोग अपने दोस्तों को भी बता दो, जो भी रिज्यूमे बनाना चाहते हैं जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए, वो नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं रिज्यूमे बनाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चीज के लिए आपसे अभी से कोई भी चार्ज नहीं किया जा रहा, तो आप आज चेकआउट जरूर कर लीजिएगा इस चीज को। अब बात करते हैं इस इंटर्नशिप के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, इस इंटर्नशिप की नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप गूगल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। यहां पे इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये IIT रुड़की के साथ। इस प्रोग्राम को स्पार्क IIT रुड़की इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कहा जाता है। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में अगर हम स्टाइपेंड की बात करें, तो आप लोगों को वीकली 2,500 रुपीज़ वीकली पे किए जाते हैं। यानी मंथली आप अराउंड 10,000 रुपीज़ कह सकते हो, यानी 2,500 रुपये पर वीक आप लोगों के आपके अकाउंट में दिए जाएंगे इस इंटर्नशिप में, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। प्लस यहाँ पे जो PG स्टूडेंट हैं उनको अप टू 15,000 रुपीज़ दिए जाते हैं। UG स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री किस टाइम पे कर रहे हैं, उनको करीब 2,500 रुपये दिए जाते हैं। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मार्च है। आप लोगों का जो इस इंटर्नशिप का रिजल्ट होगा वो सेकंड वीक में आ जाएगा अप्रैल के, और ये जो इंटर्नशिप आप लोगों की स्टार्ट होगी वो सेकंड वीक ऑफ मई से स्टार्ट भी हो जाएगी ये इंटर्नशिप आप लोगों के लिए। उस टाइम पे नॉर्मली कॉलेजेस की समर हॉलीडेज चल रही होती है, तो आप लोग बड़े ही आराम से इस इंटर्नशिप को कंप्लीट कर पाओगे। अगर हम बात करें इस इंटर्नशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपको सिखाया जाएगा, तो ये एक रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप है, जहां पे आपको रिसर्च एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। चाहे आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, आपको IIT के प्रोफेसर से डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। ये प्रोजेक्ट फंडेड इंटर्नशिप है, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको दिखा भी दूंगा किस टाइप के प्रोजेक्ट आप लोग कर सकते हो इस इंटर्नशिप में। दूसरा, अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें, तो ये जो इंटर्नशिप है हाईली कॉम्पिटिटिव होती है, यानी बहुत ही कम बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है, क्योंकि IIT के प्रोफेसर से हर कोई पढ़ना चाहता है, और जहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिले, IIT के प्रोफेसर से पढ़ना का मौका भी मिले, तो हर कोई चाहता है इस इंटर्नशिप का फायदा लेना। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, तो अगर आप लोग करंटली इनरोल्ड हो इस टाइम पे, यानी कॉलेज में पढ़ रहे हो आप लोग, या फिर आप लोगों ने एटलीस्ट कंप्लीट कर लिए हैं 2 सेमेस्टर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री, अगर आप लोग जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो उसके एटलीस्ट 2 सेमेस्टर पूरे होने चाहिए, यानी फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप लोग
अगर बी बी आर्क बी बी टेक एमएससी और एमए टाइप कोई डिग्री कर रहे हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन ही इस इंटर्नशिप के लिए। मिनिमम सीजीपी यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपकी सीजीपी के बेसिस पे, रिसर्च स्टेटमेंट प्रपोजल के बेसिस पे और आपके रिज्यूमे के बेसिस पे होगा। तो आपकी सीजीपी देखो, अगर आप लोग आईआईटी के स्टूडेंट हो तो अभी तक आपकी जो सेमेस्टर वाइज सीजीपी रही है वो 7.5 से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर आप एनआईटी के स्टूडेंट हो तो आपकी 8 सीजीपी से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर आप अदर किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपकी 8.5 सीजीपी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप लोगों का इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन होगा। बाकी अगर टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप एक काम और कर सकते हो, हमारे चैनल पर भी आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी जहां पे हम लोगों ने एक स्टूडेंट का कंप्लीट इंटरव्यू भी लिया है कि किस तरीके से उन्होंने आईआईटी में इंटर्नशिप क्रैक की, उन्होंने आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली और बहुत सारी आईआईटीज की इंटर्नशिप क्रैक की है, तो वो वीडियो से आप लोग आइडिया ले सकते हो। अगर आप आईआईटी के साथ कम सीजीपी में इंटर्नशिप करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है जिस तरीके से आप लोगों को किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें आप लोगों को चाहिएगी वो आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगर हम बात करें कैसे आप लोगों को इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे अप्लाई बटन ओपन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन है। आप लोग अपने मोबाइल फोन से भी रजिस्टर कर सकते हो। साइनअप पे हम क्लिक करेंगे, एक बेसिक सा फॉर्म आपको फिल करना है, अपनी पर्सनल डिटेल जैसे नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपके कॉलेज का नाम, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, आप कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर करते ही आप लोग के सामने ये डैशबोर्ड आप लोगों का ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे गाइडलाइंस पे जाना है। गाइडलाइन में यहाँ पे चार स्टेप में आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, फिर आपको अपनी स्कैंड कॉपी ऑफ रिज्यूमे प्लस आप लोग को अपना मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा, और एक रिसर्च स्टेटमेंट यहाँ पे कहीं पे 500 वर्ड लिखा है, कहीं पे 250 वर्ड लिखा है, तो आप लोग अपने हिसाब से वो मैनेज कर लीजिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आप लोगों को एग्जाम्पल मिल जाएंगे एसओपी के हमारी वेबसाइट पे, वो आप चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे रिसर्च स्टेटमेंट 250 वर्ड्स की सबमिट करनी होगी, तो इस पर क्लिक करके आप लोग ये रिसर्च स्टेटमेंट सबमिट कर दोगे। यहाँ पे 250 वर्ड्स यहाँ पे मेंशन है, तो 250 वर्ड्स तक की यहाँ पे आप लोग रिसर्च स्टेटमेंट मेंशन कर दोगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे रिसर्च स्टेटमेंट देख भी सकते हो, जैसे आप लोग अपलोड करोगे यहाँ व्यू स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा जिससे आप लोग इस स्टेटमेंट देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना रिज्यूमे अपलोड करना होगा, जो मैंने आप लोग को बता दिया नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म की हेल्प से बिल्कुल फ्री में आप लोग अपना रिज्यूमे बना सकते हो। उसके बाद आप लोग को मार्कशीट अपलोड करनी होगी प्रीवियस सेमेस्टर की। उसके बाद यहाँ पे आपको लेटर ऑफ स्टेटमेंट एनओसी अपडेट करना होगा, जो कि आप लोग अपने कॉलेज से ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ऑफिशियल एनओसी सबमिट करना होगा अपने इंस्टीट्यूट का। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, यहाँ पे सैंपल फाइल आप लोग डाउनलोड करके डिक्लेरेशन दे सकते हो कि आप लोग ये इंटर्नशिप करना चाहते हो। ये सारी डिटेल आप लोग सबमिट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अब आप लोग जैसे आप लोग, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की डिग्री सेलेक्ट की थी, आप जो भी डिग्री सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में इनके प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल भी देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग को प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने की, आप फर्स्ट प्रायोरिटी किस प्रोजेक्ट को देना चाहते हो, सेकंड प्रायोरिटी किस प्रोजेक्ट को देना चाहते हो, वो आपके ऊपर है कौन से प्रोजेक्ट को आप ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो, और लास्ट में आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को अपनी कहा जा रहा है कंप्लीट करनी है प्रोफाइल अपलोड इमेज, ये सारी डिटेल सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे आप लोग लास्ट में यहाँ पे प्रायोरिटी भी सेलेक्ट कर लोगे। लास्ट में यहाँ पे माई प्रोजेक्ट का सेक्शन आएगा, यहाँ पे सारे आप लोग जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दोगे, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह आप डिटेल सबमिट कर दोगे, तो यहाँ पे माई प्रोजेक्ट सेक्शन में आप लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट में आप इंटर्नशिप करना चाहते हो वो सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। आप लोगों का जो रिजल्ट है इस इंटर्नशिप का वो सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा, यानी विद इन 15 to 20 days में आप लोगों का रिजल्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी आपकी इंटर्नशिप मैंने बताया मई मिड में आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। कोई भी डाउट है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।